गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल डायमंड लीडर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी वसनायन टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। आज का एक स्पेशल सेशन था जिसमें आपने 5 ऐसी चीजें जानी कि अगर आप उन गलतियों को ना करें तो आप कियांस इंटरनेशनल बिजनेस को बहुत शानदार तरीके से ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। आप एक बहुत शानदार टीम के साथ आगे बढ़ सकते हैं, एक बहुत ही मजबूत लीडरशिप के साथ। एज ए लीडर, एज ए सीनियर, एज ए मेंटर, आपको किन बातों का ध्यान रखना, उसके ऊपर की एक स्पेशल ट्रेनिंग, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, 2000 से भी ज्यादा वीडियोज हमारे इस टाइम आईडी नेट सिस्टम के नाम से यूट्यूब चैनल है जिसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। जब भी मौका मिलता है मुझे इन वीडियोस को मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें एज ए ट्रेनिंग जो मैंने कभी कही थी वो मैं खुद भी मुझे इंस्पायर करती हैं, प्रेरित करती हैं और मैं लर्न करता हूँ। तो रेडीमेड एक स्टॉक जो बाय द वे हमारे सिस्टम की वजह से यहाँ पर है, और ये सारे की सारी ट्रेनिंग्स मोर देन 2000 से भी ज़्यादा वीडियोस आज यूट्यूब चैनल में है, उसकी वजह यही है शाम का हमारा ये वेबिनार। शाम को जूम मीटिंग हमने की और वो एज ए रिकॉर्ड हुई और उसको हमने अपलोड किया और आज एज ए मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है। मतलब मैं कहता हूँ दोस्तों, आम के आम, गुठलियों के भी दाम। आपने सुना होगा ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो इसको बोलते हैं कि जो काम हमने किया, जिस चीज को हमने एज ए काम, एज ए वर्क किया, वो आज हमारे लिए एक एसेट बन चुका है जो हमारे को बार बार याद दिलाता है कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें नेचर ऑफ बिजनेस समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको नेचर पता ना चले अपने काम का, आप अपने आप को ढाल नहीं सकते उस काम के हिसाब से। और आज की जो ट्रेनिंग सेशन थी उसमें यही बताया गया कि आप अपने आप को इस काम के मुताबिक अपने अंदर चेंज लाइए, बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अगर आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, आप जैसे हैं, जैसे आप पहले कोई काम कर रहे थे, आप हो सकता है पहले वाले काम में मास्टर हो, आप जो आज तक काम कर रहे थे हो सकता है आप उसमें मास्टर हैं, बट इस काम के लिए आप बिल्कुल नए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस काम में आपको मास्टर बनना, तो आपको ट्रेड ऑफ द सीक्रेट ऑफ द ट्रेड है ना, जिसको ट्रेड सीक्रेट कहते हैं, उसको सीखना पड़ेगा। और यहाँ पे खुली किताब है, हम सब लोग यहाँ पर आके कुछ ना कुछ बताते रहते। आई डू होप कि आपने आज का सेशन अटेंड किया होगा और इस सेशन के माध्यम से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा। और बाकी दोस्तों, मैं इतनी बात कहूंगा कि जिनको सीखना होता है ना, वो स्टूडेंट बन के रहते हैं ऑल द टाइम। और एक बात बोली गई है, अगर जिंदगी में आपको ग्रोथ लेनी है, तरक्की करनी है, नई चीजें जाननी है, तो आपका जो माइंड सेट है एक बच्चे की तरह, एक लर्नर की तरह, एक स्टूडेंट की तरह रहना चाहिए। क्या आप ऐसी स्थिति में हैं? अगर आप इसी स्थिति में हैं तो डेफिनेटली आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कियांस इंटरनेशनल में जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, जो हम सब की लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी हैं, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हम उस मार्केटिंग प्लान के हिसाब से जब काम करते हैं तो हमारी ग्रोथ भी होती है और हमें इंसेंटिव मिलते हैं, जिस तरह की हमें इनकम मिलती है, अर्निंग्स मिलती हैं, वो अनबिलीवेबल है। 6-7 figure की अर्निंग्स आज इस इंडस्ट्री में नॉर्मल सी बात है। शानदार लग्जरी लाइफस्टाइल जीना आम आदमी के लिए आज एक यहाँ का, एक तरीके से कहें तो ट्रेंड है। आप सब लोग एज ए ट्रेंड सेटर, एज ए लीडर आगे बढ़ रहे हैं। और आप सबको एक बात जरूर याद रखनी है दोस्तों, कि अगर आप जीवन में
आगे बढ़ना चाहते हैं तो एज ए स्टूडेंट, एज ए न्यू पर्सन हमेशा रहिए। अपने आप को ये मत सोचिए कि मैं तो बहुत लीडर हूँ, बड़ा लीडर हो गया, मैं तो बहुत बड़ा अचीवर हो गया, अब मुझे क्या जरूरत है। कोई ना कोई ऐसी बात एक एक टाइम के अंदर आपके अंदर जा सकती है। और ये टाइम जैसे हमने शाम का रखा है, इस टाइम हम सब लोग मिलते हैं इकट्ठे, यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, एक चीज़ नहीं होती है। पहला काम होता है हमारा मिलना, हम हर रोज एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे से मुलाकात बहुत जरूरी है। ऐसा होता है ना दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप लोगों से मिलते रहे ना तो आपका जो लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत अच्छा होगा हमेशा, क्योंकि आपका मिलना जुलना रहता है, आपका एक दूसरे के लिए सम्मान, एक दूसरे के लिए प्यार बना रहता है, एक दूसरे के बारे में जानकारी रहती है। और होता भी है, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या पोजीशन है, मेरी जरूर ऐसी पोजीशन है कि मैं तो आपके बिना रह नहीं सकता। मतलब ये समझ लीजिए कि 9:45 का जो समय होता है ना वो मेरे लिए बहुत खास होता है, ये महसूस करने के लिए कि कौन इंसान मेरे साथ खड़ा है। आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे लिए बहुत खास है। और ये आपके लिए कितना खास है वो आप जानते हैं। और एक चीज कहते हैं जिंदगी में कि अगर आपने लोगों से दूरी बना ली, मेरा ये मानना है अभी तो ये स्थिति है कि शायद मैं आपके बिना जी ना पाऊं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपके बिना जीना सीख लूं। ये अक्सर होता है, या तो हम किसी के बिना रह नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा अपनापन, रिलेशनशिप, आपस में गेट टुगेदर, टच, एक दूसरे का ध्यान रखना जिंदगी का हिस्सा होता है। और जब ये चीजें नहीं रहती है ना तो फिर हम उसके बिना भी जीना सीख लेते हैं। कोई मरता थोड़ी, कोई मर गया तो मरने वाले के साथ कोई गया है, आज तक नहीं गया है ना। बिल्कुल, जिसके बिना हम जी नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे, जब वो चले जाते हैं ना तो हम उनके बिना भी रह सकते हैं। इसीलिए कहते हैं आप कभी भी ऐसी स्थिति मत बनने दो कि लोग आपके बिना जीना सीख ले। तो मेरा जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर है ना, जी बोले लाउड एंड क्लियर, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो हारना मत रिलेशनशिप निभाने में। जब आप रिलेशनशिप निभाएंगे, जब आप बार बार किसी काम को करते हैं ना, एक टाइम बाद उसका मैजिक शुरू होता है। और इसलिए कहा है ना किसी ने कि जिंदगी में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है वो किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जा सकती। जो हालात होते हैं ना वो हमें नई नई चीजें सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर किसी वजह से आप ऐसी जिंदगी में दौर से गुजर रहे हैं कि हालात बड़े खतरनाक हैं तो शायद भगवान आपको शिक्षा देने के लिए ऐसी स्थिति में डाल रहा है कि आज आपने ऐसे कुछ अपने फीलिंग को अपने अंदर जगाइए, आपको लगे कि अब ये दौर, ये दिन, ये इस तरह का समय दोबारा नहीं देखना है। जैसे हम थे ऐसे नहीं रहेंगे, अब हम कुछ नए बनेंगे। अगर इस एटीट्यूड के साथ, इस माइंड के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो यकीन कीजिएगा कि जो अभी तक होना था हो गया, डोंट वरी, आज जो हो रहा है होने दीजिए, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में पूरा टर्न अराउंड होने वाला है, पूरी कहानी चेंज होने वाली है। बट उसके लिए ध्यान रखना है कि आपको जो हर रोज बताई जाती है ना, अपने उस फेथ को इतना जबरदस्त बना दीजिए, आगे बढ़िए, अपने एक्साइटमेंट, जोश और उस फेथ के साथ आप निकलिए। मुझे आज तक, मैं खूब सोचता हूं
कि जब मैं लोगों से मिलने जाता था शुरू में, तो मैं क्या करता था, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद आता है कि जैसे मैं यहाँ आकर हर रोज कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ, जैसे मैं आता हूँ ऐसे हमारे बहुत सारे यहाँ पर सीनियर लीडर्स हैं, वो जब यहाँ आते हैं कुछ ना कुछ ऐसी बात बता के चले जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें शायद मेरे को पहले 3-4-5 साल में नहीं मिली। आपके आगे अगर मैं बात करूं तो हम तो वाकई में ही ना उस रोड पे चल रहे थे जिस रोड में कहते रोड उबड़ खाबड़ हो, नदी ना मतलब गड्ढे हो, टूटी फूटी सड़क हो, हम अपनी गाड़ी को उसमें चला रहे थे और आपके साथ ये स्थिति बन गई आज आप हाईवे पे दौड़ रहे हो। गाड़ी हमने भी चलाई, गाड़ी आप भी चला रहे हैं, लेकिन आप सोचिए स्पीड किसकी ज्यादा अच्छी होगी। हम चाहे कितने ही अच्छे थे जब भी हमें स्ट्रगल ज्यादा मिला, लेकिन आपके पास में वो चीज नहीं है, हमारे पे बताने के लिए कोई होता ही नहीं था। किसका बताएं, लोग पूछते थे कौन बना यहां से करोड़पति, किसकी जिंदगी बदली, हम बोलते थे भारत देश में बदली है, यहां बदली वहां बदली और यहां बदलने वाली है और हमारी भी बदलने वाली है। तो लोग बोलते जब बदल जाएगी ना भारत का क्या पता है, जब आपकी कुछ होगा तो फिर हम देखेंगे। तो हमें इस बात का समझ आ गई कि ये ऐसा सिलसिला चलेगा, कुछ लोग ऐसे ड्रामेबाजी करेंगे और कुछ लोगों ने हमको ऐसा ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, यही सब कुछ आपके साथ भी होने वाला है। और मैंने इस इंडस्ट्री में आकर ये महसूस किया कि अगर एक आम इंसान, एक गरीब आदमी जिसके पास कोई पैसे नहीं है, अगर वो इंसान जिंदगी में कुछ करना चाहता है ना, इससे सिंपल, इससे बेहतरीन, इतनी फास्ट, इतनी तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री दुनिया में कोई नहीं है, जहां 0% रिस्क हो, लाइबिलिटी रिस्क, टेंशन, सब कुछ जीरो। अब सोचिए लाइबिलिटी जीरो, रिस्क जीरो, टेंशन जीरो, करना क्या है, डुप्लीकेशन करना, और वो हम करने में पहले से मास्टर है, जन्मजात। तो इस उम्मीद के साथ कि आज जो आपने सेशन में सुना और सीखा वो जरूर आपके काम आने वाला है, खुद भी और अपनी टीम को भी कनेक्ट कीजिए और अपनी टीम को अपने से दूर मत जाने दीजिए, या आपकी कोशिश होनी चाहिए। जैसे मैंने कोशिश की पिछले 3 साल से लगातार पैनल में बना रहता हूँ कि हमें एक दिन का भी गैप ना आए, एक दिन की भी दूरी सहन ना हो, राइट, ऐसे आपका भी अपनी टीम के साथ होना चाहिए कि एक दिन भी अपनी टीम से डिस्कनेक्ट नहीं होना है। और अपनी टीम को सिखाइए, उनको बताइए कि आपको सिस्टम कहता है आपकी टीम आपको फोन करेगी। आपकी जो डायरेक्ट टीम है, डायरेक्ट जिनको इंट्रोड्यूस किया था, उनका फर्ज यही है वो आपको फोन करें। आपका फर्ज है आप अपने सीनियर को फोन करें, आपके जूनियर आपको फोन करेंगे जब आप अपने सीनियर को फोन करेंगे। जो आज की ट्रेनिंग थी उसमें उनमें से एक पॉइंट ये भी बताया गया था, ये भी बात समझे होंगे आप, ये नहीं कि मेरा अपलाइन मुझे फोन करेगा, अपलाइन के नीचे तो 500 लोग हैं, 5000 लोग हैं, 5 लाख लोग हैं, किसको करेगा, नहीं करेगा। आपने एक आदमी को करना है और एक आदमी को 500, 200, 500, 20, 50 लोगों को करना है, कर सकता है। एक आदमी 20, 50, 100 लोगों को नहीं कर सकता है, हजारों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन आप एक आदमी को कर सकते हो। सबका अपलाइन 1, 2, 3, 4 ही है, ज्यादा नहीं है। तो अपनी अपलाइन से बातचीत करने का बहाना ढूंढिए और जब भी अपनी अपलाइन से बात करो उनको खुशी होनी चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं ना, जो लोग जाते हैं ना, जब देखो भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, वो रोते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, भगवान उनको बोलता है तुम्हारा यही होगा। एक आदमी था, बहुत सुबह शाम भगवान को गालियां देता था, सुबह शाम बस गालियां ही गालियां। तो जब पता किया भाई गाली क्यों देता है, तो पता चला उसके जो पांव में जो जूते थे ना वो फटे हुए, फटे हाल जूते थे। तो बड़ी शिकायत रहती थी, हे भगवान कहाँ पैदा कर दिया मुझे, किस घर में पैदा कर दिया, है ना, दो जोड़ी, एक जोड़ी ढंग के जूते भी नहीं मैं पहन पा रहा हूँ।
तो वो माँ बाप को भी गाली देता था, भगवान को भी गाली देता, सबको, जो भी स्थिति रही होगी। लेकिन कहते झटका उस दिन लगा जिंदगी में जब उसने देखा कि एक बच्चा बड़ा खुश भगवान का थैंक यू कर रहा, प्रार्थना कर रहा मंदिर में, क्योंकि कोई एक्सीडेंट हो गया था और इसकी एक टांग चली गई। वो इस बात से खुश था कि मेरी एक टांग बच गई, एक तो चली गई, शुक्र है भगवान का एक टांग तो बच गई। उस दिन उस आदमी की दुनिया बदल गई जब उस लड़के ने देखा, दूसरे ने जो डेली गाली मारता था, कहते मैं तो जूते के लिए रोता था, यहाँ तो पांव दे रखे भगवान ने। सोचो आप, आपकी शिकायत हो सकती है जूतों के लिए हो, एक आदमी तो टांगों के लिए तरस रहा है, किसकी प्रॉब्लम बड़ी है? जो जिसको टांग चाहिए नहीं मिली तब भी खुश है, और एक आदमी के पास जूते नहीं है वो तब भी रो रहा है। तो जब हम देखते हैं ना दोस्तों इन चीजों को, बेस्ट पार्ट को, अच्छे पार्ट को, तो आपके पास रीजन बन जाता है थैंक यू करने का भगवान को। हे ईश्वर ठीक है, उसके पास तो टांग नहीं है, मेरे तो कम से कम आपने सही सलामत रखा है पांव से। अब जो डेली रोना था ना जूतों के लिए वो खत्म, अब तक क्या शुरू हो गया, थैंक यू भगवान दोनों टांगे सही सलामत है। ये है ग्रेटिट्यूड कैसे ढूंढना है ना, यू विल फाइंड आउट द रीजन। सारी बातें घुमा फिरा के बोला गया इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, आज से 20 साल पहले की कहानी है ये। जब मैं एक सेमिनार में गया था, एक बहुत बड़ा लीडर, उसने एक लाइन बोली थी जिसने वाकई मेरे जैसे ना जाने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली होगी दुनिया में। और वो लाइन तो किसी लीडर ने कही थी, बट ये लाइन तो यूनिवर्सल है, बट इस लाइन में बड़ी ताकत है। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर कामयाब होना है इस इंडस्ट्री में ना, तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जो आपका एटीट्यूड है ना वही है आप, जो कुछ अभी हैं आप बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड, जो आपका बनने फ्यूचर बनने वाला है वो बिकॉज ऑफ एटीट्यूड। सोचिए, एटीट्यूड दो तरीके के होते हैं, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। बहुत सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है? जिंदगी डिफाइन कर दी एक आदमी ने, ना गीता पढ़ी, ना महाभारत पढ़ा, ना रामायण पढ़ी, ना कुरान, ना बाइबल, कुछ नहीं पढ़ा, पूरा ज्ञान का भंडार लिया ही नहीं, सीधा सिंप्लीफाई कर दिया, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, इट मेक्स बिग डिफरेंस इफ पॉजिटिव और नेगेटिव। मैटर करता है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो बर्बाद है कहानी, और पॉजिटिव होगा तो आपने जो अपने ऐनक है दोस्तों यूं लगाना है बस, क्या ऑलवेज ऑल द टाइम आपने ऐनक कौन से लगा के पॉजिटिविटी की सॉल्यूशन का, अपलाइन से बात करो या अपनी टीम से बात करो, सॉल्यूशन के ऊपर बात करना है। जब भी बात हो रही है यही पूछना है, मैं सॉल्यूशन के ऊपर बात कर रही हूं या फालतू की बकवास कर रही हूं, कर रहा हूं नेगेटिव बात तो नहीं कर रहा हूं मैं, खुद से पूछना है और खुद जवाब आ जाएगा कि आप जहर घोल रहे हो या अमृत बांट रहे हो। इसी में चमत्कार है, अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता है, जो भी दिमाग का कचरा होता है वो या तो अपलाइन को फेंक देते हैं, जाकर डंप कर देते हैं, या डाउनलाइन को। तो अपलाइन कोई कचरा का डब्बा नहीं है और ना ही डाउनलाइन कि हम नेगेटिव चीजें वहां फेंकें, हमको सिर्फ अच्छी चीज देनी है। और यही हो रहा है, इस सिस्टम ने यही चीज को लगातार किया, क्योंकि दोस्तों कुछ टाइम तक तो लोग को आपको समझ नहीं पाते हैं अगर आप नेगेटिव बांट रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उनको समझ आ जाता है ना, फिर लोग आपसे बहुत दूर चले जाते हैं। शुरू में हो सकता है आपको मजा आ जाए इन चीजों को करने में, लेकिन एक टाइम बाद वो लोग आपके साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि लोग समझ जाते हैं बातों, लोग बहुत समझदार हैं। वो कहते हैं ना, मुझे गिरते हुए पत्तों ने ये सिखाया है कि जब आप बोझ बन जाओगे ना, तब अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। जब समय आता है ना, फिर लोगों को पता लगता है तो नेगेटिव आदमी है, लोग उससे भगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि
ऐसी ट्रेनिंग में जब लोग आते हैं उनको पता लग जाता है ये आदमी मेरा अपलाइन या जो भी है डाउनलाइन है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अपलाइन को पॉजिटिव लोग पसंद हैं और डाउनलाइन को भी पॉजिटिव अपलाइन पसंद है। या तो आप किसी के लिए डाउनलाइन हैं या आप किसी के लिए अपलाइन हैं। आप कैसे अपलाइन और कैसे डाउनलाइन बनना चाहते हैं, है ना? सबके पास मौका, या तो आप किसी के बेटा हो या आप किसी के पापा हो, है ना? तो बेटा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, पापा बनने का भी मौका मिलेगा, राइट? सर डाउनलाइन बोल दिया तो मैं कहा आप अपलाइन बन के दिखा दो भाई। डाउनलाइन को तो डाउनलाइन ही बोलेंगे, बेटे को तो बेटे, बच्चे को तो बच्चे ही बोलेंगे ना, बापू थोड़ी बोलेंगे। हाँ बनने का मौका है, किसी के आप बच्चे हो तो किसी के आप बापू हो, राइट? और ये रिश्ता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है आप अच्छी तरह जानते हैं। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे पैनल में कुछ लीडर्स हैं जिनके हम स्पीच लेना चाहेंगे, जिसमें मैं देख रहा हूँ सरिता मेहरा जी फ्रॉम महेंद्रगढ़ जी। सरिता जी, हाउ इज़ द जोश? महेंद्रगढ़ के रीजन में आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, और कैसी डेवलपमेंट चल रही है, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू पैनल पे बोलने का मौका देने के लिए। और सर जोश इज वैली हाई है, और अगर मैं बात करूँ आज के सेशन की, सर बिल्कुल ज़बरदस्त, और कंटिन्यू हमारा जो सेशन शाम का है बिल्कुल इतना ज़बरदस्त सेशन होता है, और बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब हम इस सेशन में आते हैं, यानी कि 1% भी नेगेटिव नहीं होते हैं। और आज के सर अगर मैं बात करूँ, आज मैंने पूरे दिन में 8 डेमोस्ट्रेशन किए, और जबरदस्त तालियां आपके लिए, जबरदस्त जबरदस्त तालियां ही तालियां, वंडरफुल वंडरफुल, दिस इज ट्रू लीडरशिप। 8 मीटिंग मतलब एक्सट्रीम, 10 मीटिंग एक्सट्रीम, 12 मीटिंग और एक्सट्रीम, 5 मीटिंग के ऊपर जाने का मतलब है यू आर ऑन फायर, आप फायर में हो। यस बिल्कुल सर, और जैसे कि कल हमारा सेशन था तो उसमें था कि आप कैसा फील करते हो, तो सर बिल्कुल जबरदस्त, और इस तरीके से जब काम करते हैं तो फीलिंग तो यानी कि इतनी सुपर होती है सर कि आग लगानी है और जबरदस्त काम करना है। और जब फील्ड में निकलते हैं ना सर, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हमें करना है और टीम के साथ में मिलके करना है, और जब बाहर जाते हैं ना तो इतना मान सम्मान और इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि हम ये सोचते हैं कि एक्चुअल में हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ सब कुछ पॉसिबल है, और डिपेंड करता है कि आप पे आप कैसा बनना चाहते हो, कि आप अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनना चाहते हो या कुछ ऐसा करना चाहते हो कि टीम आपको पसंद ही ना करे, तो वो आपके ऊपर है। तो सर बिल्कुल कोशिश ये है कि मैं बेस्ट डाउनलाइन भी बनूं और बेस्ट अपलाइन भी बनूं, तो उसके लिए जो भी मेरे अंदर कमियां हैं सर बिल्कुल दूर करनी है, और किसी को मेरे से कोई शिकायत ना हो, क्योंकि मैं थैंक यू करती हूँ अपने सीनियर का मुकेश चौहान सर का, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लेके आए और मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, नहीं तो वैसे ही सर नॉर्मल हाउस वाइफ ऐसे ही लाइफ कटनी थी। तो अपने सीनियर का थैंक यू करना चाहूंगी सर, और थैंक यू अपनी डाउन लाइन का सर, जो उन्होंने बिल्कुल सर बिल्कुल इस तरीके से साथ दिया है, यानी कि एक फैमिली की तरह है, और बहुत खुश हूँ सर टियांस में आके, क्योंकि मैं ऐसे जैसे फैमिली में हूँ जहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं था, और मुझे लगता नहीं था कि इस तरह की इंडस्ट्री मेरे लिए बनी है या मैं इसके लिए बनी हूँ। तो क्योंकि लक्की मानती हूँ सर अपने आप को कि टियांस जैसे प्लेटफॉर्म पे मैं आई हूँ, और मैं मुझे यहाँ अपने आप को साबित करने का मौका मिला है, तो सर बिल्कुल चूकना नहीं है उस मौके को, और अपने आप को साबित करना है सर। और एक टाइम आएगा सर, जैसे छोटे छोटे सपने हैं उसके बाद में बड़े सपने होते जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि टियांस में आए हो ना तो अपने सपने है ना उनको बड़ा करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं। तो सर बिल्कुल अपनी टीम के जो सपने हैं उनको भी पूरा करना है, और जब टीम के सपने पूरे होते जाएंगे ना तो अपने आप ही हो जाएंगे, ये चीज मैंने सीखी है, और बिल्कुल टीम के साथ मिलके काम करना है सर। सभी सीनियर लीडर का थैंक यू करना चाहूंगी सर, क्योंकि आज मैंने अपने आप में चेंज किया है सर, वो बिकॉज ऑफ IDNET सिस्टम, क्योंकि मैंने पैनल पे आके ये सारी चीजें सीखी हैं, किस तरीके से हमें बात करनी है, कैसे हमें डेमोंस्ट्रेशन करना है, कैसे हमें टीम में मिलके काम करना है, और कैसे हम फील्ड में बाहर निकल सकते हैं, कैसे हमें यहाँ से कामयाब होना है। तो ये सारी चीजें सर हमारे IDNET सिस्टम की वजह से मैंने सीखी हैं, और सर बहुत ही अच्छा यानी कि अमेजिंग बिल्कुल सुपर प्लेटफॉर्म है, और मैं बहुत खुश हूँ सर टियांस को लेके, और जो सपने हैं सर बिल्कुल पूरे करने हैं, तो सर बिल्कुल और लगे हुए हैं, लगे रहेंगे, टिके रहेंगे,
और रॉयल्टी रैंक तक जाना है सर, और यहाँ तक गोल्ड लाइन से पहले रुकना ही नहीं है, और कंटिन्यू सोच रखा है सर। जैसे आज सुबह 7 बजे मैं निकली थी स्कूटी पे, और 8 बजे हमने मीटिंग स्टार्ट कर दी थी, और 5 बजे तक मैं कंटिन्यू मीटिंग कर रही थी, और जोश वैसे ही हाई था सर, 1% भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं सुबह से शाम तक मीटिंग कर रही हूँ। और जितनी ज्यादा मीटिंग होती है ना सर, उतना जोश हाई होता जाता है, यानी कि अपने आप में ही मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं महसूस होता ये चीजें। और जैसे पूछते हैं सामने से, मैडम ऐसा लगता है कि जैसे आपके डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ा हुआ है कंपनी से। मैंने कहा बिल्कुल जुड़ा हुआ है सर, शादी का माहौल है तो शायद आवाज सुनाई दे रही हो। तो सर बस थैंक यू करना चाहूंगी सभी सीनियर लीडर का, थैंक यू बोर्ड का, और थैंक यू अपनी फैमिली का, आईडीनेट सिस्टम का, अपने सीनियर लीडर का, और सभी डाउनलाइन का भी, और सभी सीनियर लीडर का जो पैनल पे आके अपनी शेयरिंग करते हैं, और हमें हर दिन अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे सुनने को मिलती है और सीखते हैं सर। बिल्कुल ऐसे ही काम करते रहेंगे, और लास्ट में अपनी मैजिकल वर्ड से साथ में क्लोज करूंगी सर। बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, I love ID net system, I may diamond, we all are diamond, go gold loan soon everyone, चलो गोवा, चलो दुबई, और सर टर्की तो अगले साल चलना ही है सर, बिल्कुल definitely, तो thank you sir, thank you so much sir. Amazing, superb, आपके अंदर जो जज्बा है वो पूरा इतिहास बदलने वाला है, आपकी खुद की जिंदगी का, परिवार का, और आप जो बनकर निकलेंगी अगले साल के अंदर, एक साल के अंदर, वो मैं ये कह सकता हूँ कि ना जाने कितनी फीमेल्स के लिए आप रोल मॉडल बनने वाली हैं। बहुत शानदार सरिता जी, कीप डूइंग गुड जॉब, ऑल द बेस्ट टू यू। आपने बताया आज आपने क्या किया, अमेजिंग। अगले जो स्पीकर हैं वो हैं सुनीता श्रुतिश्री जी, 8 स्टार। वेलकम सुनीता जी, हाउ इज द जोश? Good morning, sir. Very good morning, all of you. Sir, Josh is high. हमेशा high होता है और हमेशा high रहेगा, क्योंकि वो जरा सा भी down होता है तो आप high कर देते हो, तो tension नहीं है, पीछे है support system, पीछे है तो tension नहीं है, एकदम free mind होके काम कर रहे हैं sir. और sir, कल मैंने सुना था कि हमारी जयपुर की जो बिग इवेंट होने वाला है उसकी डेट भी फाइनल हो गई, तो सुपर एक्साइटेड है सर, और डेफिनेटली इसके लिए अपनी जी जान लगा देंगे उसको सक्सेसफुल बनाने में। सभी टीम के लीडर से बात करेंगे और डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि जो आपने एक्सपेक्टेशंस रखी हैं उसको हम बिल्कुल उस पर खरे उतरें। सर सेशन की बात करूँ तो एज यूजुअल हमेशा की तरह बहुत औसम होता है आपका सेशन। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि टाइट कम्युनिकेशन होना चाहिए, चाहे वो डाउनलाइन हो और चाहे अपलाइन हो, दोनों से ही टाइट कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो दोनों चीजों को ही बैलेंस करना पड़ता है, अदरवाइज एक भी चीज थोड़ी सी डगमगाई तो थोड़ा सा रास्ता कठिन हो जाता है। तो बिल्कुल सर हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम हर चीज पर खरे उतरे, जो भी आप हमसे उम्मीद करते हैं, चाहे वो सेमिनार्स को लेकर है, चाहे वो मीटिंग्स को लेकर है, चाहे वो अपने काम को लेकर है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर है, हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर हम अपने आप को निखारते चले जाएं। और ऑब्वियसली सर, अगर हम अपने आप को निखारेंगे नहीं तो एक साधारण इंसान बनकर रह जाएंगे। कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, कुछ एक्साइटिंग करना है, तो डेफिनेटली हमें अपने आप में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो चेंजेस सर हम यहाँ से कर भी रहे हैं, क्योंकि रोज आईडीनेट की जो मीटिंग्स होती हैं वो सुपर सेशंस होते हैं, एकदम पावरफुल पावर पैक होता है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ से मिल जाता है। और सर मैं थोड़ी सी अपनी शुरू की जर्नी के बारे में जरूर बात करूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। जी 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 जी, स्वागत है, स्वागत है आपका, वेलकम जी जी। आपको जो भी एप्रोप्रिएट लगता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, ऑलवेज वेलकम जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर जब हम शुरू में हम किसी भी कंपनी से जब जुड़ते हैं तो हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, हम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, और हम ये कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर एक टाइम आता है कि जब लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं है, या हम मीटिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये।
सर अगर एक मीटिंग नहीं हो रही है, दो मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम तीसरी मीटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है, इतना तो चलता है। लेकिन अगर हर मीटिंग में हम सक्सेसफुल, मतलब हम हर मीटिंग में फेल हो रहे हैं, किसी भी मीटिंग में हमें सक्सेस नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें खुद में सुधार करना है। और वो सुधार हम कैसे करेंगे, उसके लिए सर आईडीनेट सिस्टम है। कई बार ऐसा हुआ कि मैं खुद भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म से आई थी, मैंने एक अच्छा जॉब क्विट किया था जस्ट अपने सैनिटरी नैपकिन की वजह से। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं कि आप एक बार थोड़े से डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन मैंने ये सीखा यहाँ से कि वो जो सिचुएशन होती है, वो जो टाइम होता है, वो टाइम आपका वो टाइम होता है कि या तो आप एक स्टेप पीछे ले लो और अपने आप को उस जर्नी से अलग कर लो। आप हमें नहीं पता कि वो जो स्टेप आप आगे लेने वाले हो, क्या पता वो हमारी सक्सेस का कदम हो आगे। और हम गलती करते हैं, हम गलती उसी एक स्टेप पर करते हैं कि जिस स्टेप से हमारी कामयाबी शुरू होती है, हम उसी स्टेप से एक स्टेप पीछे हो जाते हैं और हम वापस बैक चले जाते हैं। तो इस पैनल पे बैठे, हालांकि आप बहुत अच्छे से बताते हो सर, नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी मैं ये कहूंगी बींग अ बिजनेस पार्टनर कि कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम नेगेटिव नहीं होते हैं, हम हिम्मत नहीं हारते। लेकिन अगर अपने आप को कुछ अलग बनाना है, अगर अपने आप को भीड़ से अलग दिखाना है, तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज को निखारना पड़ेगा। और हर सिचुएशन से, चाहे कितनी ही बुरी सिचुएशन हो, आप उससे निकलकर जब ऊपर निकलते हो ना, तो बिल्कुल एक हीरा बनकर निकलते हो और उसकी चमक को कोई भी रोक नहीं सकता है। और थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और आईडीनेट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। पैनल पे बहुत सारे लोगों की शेयरिंग सुनती हूँ, सुशील चिकारा जी हैं, बनीता जी हैं, हिमानी जी हैं, मनोज बुढ़ानिया जी, मतलब पैनल पे इतने शानदार लीडर हैं सर। एक नई चीज हमें अपने अंदर ठीक करने का मौका मिलता है जब उनसे, अच्छा ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो एक मोटिवेशन मिलता है सर। और एक चीज मैंने महसूस की सर कि जब हम ऑन वीडियो होते हैं ना, तो उसकी एक एक्साइटमेंट अलग होती है, हमारा मन करता है कि हम बोले। जब हम ऑफ वीडियो होते हैं तो बहुत सारी चीजें हम मिस करते हैं, ये रियलिटी है सर। एक चीज मैंने और अपने आप से भी प्रण किया है, आज ही किया है ये, कि डेफिनेटली पूरी कोशिश होगी, 100% कोशिश होगी कि मैं वीडियो में रहूं। सुपर सुपर, अरे ले ही लो गंगा जल हाथ में, क्या जा रहा है, ले लिया सर, आज से गंगा जल हाथ में ले लिया है कि ऑन वीडियो रहना है, क्योंकि सर ऑन वीडियो रहने से ना खुद को भी कॉन्फिडेंस आता है। सुपर सुपर, हम जो बोलते हैं ना, आप यकीन करना सुनीता जी, आपका ऑन वीडियो रहने का डिसीजन एक ऐसा डिसीजन है, ना जाने कितने लोगों के घरों में जबरदस्त उजाला होगा, क्योंकि वो भी कॉपी करेंगे आपको। आप सभी लीडर्स को आपकी टीम कॉपी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं यहाँ पैनल में ऑन वीडियो ना आके मैं अपने आप को बड़ा तुरम खां समझूं, मैं तो डायरेक्टर हूँ इंडिया का, बड़ा लीडर हूँ, ये हूँ वो हूँ, भाई अपने को चमकाने के लिए आदमी कुछ भी औकात दिखा सकता है, लेकिन हमें अपनी औकात का पता है, हम कहाँ से चले थे। और आज जहाँ हमें, आज हमें ऐसा लगता है कि दुनिया की नज़र में जरूर यह होगा कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता है भाई जहाँ हमें जाना है ना, उसकी तो शुरुआत हुई है, माई तो मंजिल बहुत ऊपर की है। तो ये बहुत जरूरी है हमें मैसेज देना एक दूसरे को, और ये हम सब लोग एक दूसरे से सीखते भी हैं, और हम भी कहीं ना कहीं ऐसे कारण बनते हैं, एग्जाम्पल बनना चाहते हैं, लीड बाय एग्जाम्पल की देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, अगर आप करो तो देखो हम कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ तो मैं भी अपने लिए कर रहा हूँ, वो अलग बात है, मेरे करने से अगर आप सभी का कोई फायदा हो रहा है ना, वो तो ऊपर वाले की कृपा है, वो करते हैं कि नहीं या नाम हमारा हो रहा वो वाली बात है, लेकिन मैं तो इंसान हूँ, मैं तो स्वार्थी इंसान हूँ, हम सब लोग स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, हम तो भगवान की भी पूजा करते हैं यही सोच के करते हैं मोक्ष मिल जाए, फोकट में नहीं करते हैं, अगर पता चले ना मोक्ष मक्ष का कोई चक्कर नहीं है, मतलब क्या जरूरत है वैसे करने की, जब कोई प्रॉब्लम जब है ही नहीं, टारगेट ही नहीं है कोई, तो कारण होना बहुत जरूरी है। और कहते हैं कि अगर आपका स्वार्थ ऐसा है जिससे किसी को नुकसान ना हो, उल्टा फायदा हो जाए ना, तो समझ लो आप पृथ्वी लोक में ही स्वर्ग में पहुंच गए हो। जी
जी सर, बिल्कुल सर। सर मैं ऑन वीडियो रहने का मैं अपना कारण भी बताती हूँ कि मैं ऑन वीडियो रहने का मैंने प्रण क्यों किया। सर बोलने में ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छा नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जब से ऑफ वीडियो हुए हैं, भले ही बाहर हम जितना मर्जी बोल लें, बट जब हम पैनल पे होते हैं तो कुछ सीमाएं होती हैं, उसमें उस मर्यादा में ही हमें बात करनी चाहिए। बट जब हम ऑफ वीडियो होते हैं ना, तो वो सारी चीजें ना धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और जब ऑन वीडियो होते हैं ना, तो हमारा दिमाग अलर्ट रहता है कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और वो जो स्किल है ना वो डेवलप होता है सर। yes. जब ऑफ वीडियो होते हैं तो टेंशन फ्री होते हैं, अच्छा कोई बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, अच्छा है। लेकिन ऑन वीडियो होते तो अलर्ट होते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी अलर्ट होती है कि कब हमें मौका मिल जाए बोलने के लिए। तो मुझे अपने स्किल्स को सुधारना, और ये मेरी मेरी मेरा पैशन कह लीजिए सर, कि मुझे स्टेज पे रहने का बड़ा शौक है। मैं रही भी हूँ स्टेज पे, तो अभी मैं उसको फील कर रही थी कि मैं उसको लैक कर रही हूँ कहीं ना कहीं, और वो रीजन था ऑफ वीडियो रहने का। तो इसीलिए मैंने ऑन वीडियो रहने का प्रण किया कि मुझे जो अपनी इस खूबी को और निखारना है सर, और निखारना है और निखारना। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा सर, कि हम लोग पता नहीं कितने लोगों के आइडल बनते हैं, हम लोग पता नहीं कितने लोगों के घर में खाने के लिए निवाला मिलता है, तो हम पता नहीं किसके लिए वो रीजन बन जाए, हमें खुद नहीं पता है। तो इसलिए हमेशा वो करें, वो सीखना चाहिए, वो करना चाहिए, कि हमारी वजह से किसी को कभी कोई समस्या ना आए, लेकिन हमारी वजह से एक इंसान अगर अपग्रेड करता है, एक इंसान अच्छा कर पाता है, तो सर हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं। थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया, मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, हालांकि मैंने सोचा था कि पैनल पे मैं बोलूंगी जरूर, पर मैं ध्यान रखूंगी, क्योंकि हर इंसान अपनी टर्न का वेट करता है कि आज मुझे भी मौका मिलेगा, बट फिर भी मैंने ज्यादा बोल दिया। लेकिन जब रोज बोलूंगी तो इतना नहीं होगा, क्योंकि रोज छोटी छोटी शेयरिंग्स होंगी। तो थैंक यू सो मच सर, आज मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू आईडीनेट सिस्टम, थैंक यू पैनल पे बैठे सभी लोग, मेरे हस्बैंड स्पेशली थैंक यू, क्योंकि पूरे सपोर्ट के साथ वो मेरे साथ रहे हैं, तभी मैं इस बिजनेस में आज खड़ी हूँ। मेरे सभी एलओएस का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली सर आपका थैंक यू, क्योंकि आपने लॉकडाउन में हमें संभाला था, क्योंकि अगर आप ये पैनल स्टार्ट नहीं करते तो हम लोग कब के बिखर चुके होते। तो थैंक यू सो मच सर। मेरे सभी बिजनेस पार्टनर का बहुत बहुत धन्यवाद, अगर मैं आज यहाँ पर हूँ तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी इस सक्सेस में। थैंक यू सर, और मैं अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ क्लोज करूंगी, बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, चलो गोवा, चलो दुबई, चलो इंडोनेशिया, और नेक्स्ट ईयर टर्की, टर्की, यस। थैंक यू सो मच सर, सुपर, बहुत ही अल्टीमेट जबरदस्त सुनीता जी। और आज एक और लीडर ने कमिटमेंट कर दिया है 2022 के साल में, क्योंकि 2023 को कुछ अलग सीन पे ले जाना है हम सबको मिलकर, और सभी लीडर को ये करना चाहिए, क्योंकि उनकी टीम उनकी तरफ बहुत उम्मीदों से देख रही है। शायद आपने मेरा पिछला वीडियो सुना कि नहीं, पहले तो मैं बताना चाहूंगा सुनीता जी वेलकम, जबरदस्त, आप अगले महीना जब जयपुर में प्रोग्राम हो तो हम जरूर चाहेंगे कि जयपुर के प्रोग्राम में हम काफी सारे लीडरों को एज ए कोर लीडर की उपाधि देने वाले हैं। तो 15 जनवरी तक सभी लीडर अपनी अपनी पहचान बनाइए, यस यू डिजर्व्स टू बी इन दैट ग्रुप, और उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है सिर्फ उनको ही पता है। जैसे कि उन्होंने कहा ना अभी सुनीता जी ने कि बहुत सारी चीजें ऐसी है लगता है कि मिसिंग, जो कि है गॉड गिफ्टेड पहले से ही है, बट अपने को फ्रंट से लीड करना है, इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है। जब आप कल को सिल्वर गोल्ड बनेंगे, ऐसे भी लोग होंगे जो गोल्ड है ब्रॉन्ज है सिल्वर है इनको कोई पहचानता नहीं है, और ऐसे भी लीडर है 7 स्टार है 8 स्टार है दुनिया जानती है, बिकॉज वो समय से पहले लग गए हैं अपनी ब्रांडिंग में और उनको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए सुनीता जी, जिस तरीके से आप अपनी टीम को लीड कर रही हैं तालमेल के साथ, ऐसे आगे करेंगी, और बहुत जल्दी हम आपके नाम के आगे गोल्ड लाइन का नाम देखना चाहते हैं, आप गोल्ड लाइन, एंड बहुत जल्दी आप अपनी टीम में बहुत सारे गोल्ड लाइन्स पैदा करेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेस्ट विशेस टू यू एंड योर होल टीम।
अब जो बात आती है दोस्तों, एक मजेदार बात तो मैं बताना जो चाहता था, कल याद आ गया मुझे कि मैंने मेरी कुछ वीडियोस आप देख रहे होंगे, आजकल मैं फेसबुक में थोड़ा सा अपना मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म में, तो आप जाएं, थोड़ा सा आपको ले जाऊंगा ज़रूर, ताकि उसका फ़ायदा अगर उठा सकते हैं तो आप उठाएं, राइट। जैसे अगर आप यूट्यूब में जाते हैं, सॉरी यूट्यूब में भी जा सकते हैं, बहुत सारी जगह है, लेकिन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ पहले फेसबुक का। ये फेसबुक है, फेसबुक प्रोफाइल, और फेसबुक प्रोफाइल में आप जैसे जाते हैं, आपने जैसे ये डाल दिया पाल बी बसनायत। अब जैसे डायरेक्ट आप पाल बी बसनायत के नाम से अगर आप डालते हैं, जैसे आपका ये ऊपर आ गया, सर्च में आप चले गए पाल बी बसनायत, राइट, ये आपने जैसे किया तो ये आ गया। अब इसमें जाएंगे आप तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे, जो हर रोज हम लोग डालते हैं पोस्ट, आपको पता लग जाएगा कि आज हमारा क्या टॉपिक है, क्या प्रोग्राम है, क्या क्या चीज़ें चल रही है अंडर डेवलपमेंट में। अभी जैसे हमारा 27वां सालगिरह होने वाली, इसकी ये चीज़ डल रही है, कुछ ना कुछ हम डालते रहते हैं। ये देख रहे होंगे आप, एक तो ये फेसबुक से आपको देखने को मिल रही हैं। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मोर देन 25,000 से भी ज़्यादा फोटोग्राफ्स हैं हमारे इस टाइम फेसबुक में। ये मोर में जाएं और ये फोटो में जाएं तो यहाँ पे आपको ये फोटोग्राफ दिखेंगी, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में इस टाइम आपके, इस तरीके से। ये जो है आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं जब से मैंने फेसबुक ज्वाइन किया, लगभग 25,000 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखें एक रील्स लिखा हुआ, रील्स, यहाँ पे आप गए रील्स में। अब आप ये देख रहे होंगे हम बैक टू बैक बहुत सारे रील्स डाल रहे हैं इस टाइम, राइट, और आपको मौका मिल रहा होगा इन रील्स को। अपॉर्चुनिटी है जिसलिए आप आए हो, मैं आया था पैसे कमाने, बढ़िया चल रहा मामला है ना, जबरदस्त, आपका भी बढ़िया चलेगा। आपका वाकई में बिजनेस करने का मन है, आप बिजनेस करने के लिए यहाँ आए हैं, शो योर सेल्फ एज ए बिजनेस मैन और बिजनेस वुमेन। आपको बिहेव करना पड़ेगा पहले, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा अपने आप को, कहते कुछ भी हो आपको करना ही करना है, इस ऑप्शन पे आते हो आप, जब तक आपकी स्टेक पे नहीं लगा ना कुछ। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो निडी लोग होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो इधर उधर से जैसे कर से जुगाड़ करके ज्वाइन करते हैं और फायर होके लग जाते हैं, उनका धंधा चल निकलता है। या फिर एम्बिशियस लोग होते हैं, वो सोचते थे क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अचानक मिल गया, वो भी फायर होके लग जाते हैं। लेकिन जो बीच वाले होते हैं ना, वो ना तो निडी वाले होते हैं ना वो एम्बिशियस वाले होते हैं, वो कंफ्यूज में होते हैं। कभी तो उनको लगता है निडी है, कभी उनको लगता है एम्बिशियस है, है कुछ नहीं। आपने चेक करना है, रियली आर यू एम्बिशियस, रियली आर यू निडी, और ये दोनों ही क्वालिफिकेशन भाई साहब बेस्ट है, बेस्ट। मैं भूखा था, भूख थी भूख खाने की, अपॉर्चुनिटी है। मैं भी सोचता हूँ सर क्या अच्छा लगा मेरे जीवन में, अच्छा लगा था, क्योंकि जिंदगी में जब आप डिसीजन लेते हैं ना तो चीजें बदलती हैं। आपका जो डिसीजन होता है जीवन में किसी भी काम को करने की तैयारी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। सोचिए फेथ, विश्वास, उम्मीद, इसमें चमत्कार है। लेकिन आप अपनी फेथ बताना पड़ेगा, कौन से सपने पूरे करने वाले हैं, और उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा क्या काम है। डेली काम करने से, जब हम डेली काम करते हैं तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है काम तो पहाड़ जितना है, और हमने काम कितना किया, छोटा चींटी जितना हम काम करते हैं, और जो टारगेट होता है वो पहाड़ जैसा होता है। बट वो डेली जब आप करते हो ना, करते करते कुछ ऐसे हालात, ऐसे माहौल बन जाते हैं आपकी, आपकी टीम में मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है, और अचानक ही जब बम विस्फोट होता है ना, जिसे एटम बम फटता है ना, फ्यूजन और फिशन थ्योरी जो बोलते हैं ना कि मल्टीप्लाई होती है, एटम्स मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए एक्सप्लोजन होता है, खतरनाक तहस नहस कर देता है वो। ऐसे ही इस बिजनेस की ब्यूटी है कि एक बार माहौल बन जाए तो गोल्ड लाइन, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, एट स्टार तो ऐसे फूटने वाले हैं आईडी नेट में जैसे पॉपकॉर्न फूटते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी टीम में आप जोड़ेंगे, जब लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे, उनमें से बहुत सारे लोग आपको
बहाना है। 27 साल पहले हमारे चेयरमैन ली जिन योन सर ने शुरू किया उनको ये, आप देख सकते हैं ये मेरे मेंटर हैं मिस्टर लुइस, जिन्होंने अभी ये एक ऐसी गाड़ी आईडिया, आपको समझ आ रही है कि माइंड सेट यहाँ से मिल रहा है, प्रोडक्ट यहाँ से मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल रही है, फोकस हो गया आपका, शिद्दत है, किसी भी चीज को शिद्दत से चाह रहे हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, साथ दोस्तों आपने जो देखा ना, ये इसके पीछे बहुत सारी वीडियोस हैं, ऐसी हमारी यूट्यूब में भी हमने डाली है, आईडी नेट सिस्टम के पैनल में, यही हमारे इंस्टाग्राम में भी है। ये ऐसी चीज है जो आपकी बैली है ना, जो बैली पेट में आग लगाने की कहानी बोलते हैं, फायर आपके पेट में आग लगनी चाहिए। और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, कोई ये नहीं है कि भाई साहब कोई थ्योरी बनाई जा रही है फिर देखा जाएगा, ट्राई मारी जाएगी होएगा कि नहीं होएगा, ये प्रैक्टिकली हो चुका है। एक एक चीज को सत्य मान के अगर लग गए ना आप, सरिता मेहरा की तरह 8 मीटिंग तभी होती है जब पेट में आग लग जाती है। आपके अंदर आग नहीं लग रही है अगर आप दिन में 8 मीटिंग नहीं कर रहे हो, 10 मीटिंग नहीं कर रहे हो, 5 मीटिंग नहीं कर रहे एवरी डे। और फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है, धरती में डोलेगी धरती आपकी, जान पहचान वाले हैरान होंगे क्या हो गया, पिछले साल तो तुम पैदल थे, इस साल तो तुम गाड़ी में दौड़ रहे हो, पता चल रहा हमें लगता नहीं था कर पाओगे और आज चमत्कार हो रहा है। तो ये जो शक्ति है दोस्तों, ये यूज करने से होगा। चीज तो आपके पास है, हथियार तो है, लेकिन चला नहीं रहे हो। अगली जो आवाज है वो है डॉक्टर मनोज बुढ़ानिया जी, जिनकी गुरु जी का शेयरिंग सुन लिया आपने, अब पता चले टीम लीडर भी तो आए पीछे से, राइट, तो अब उनकी भी सुननी जरूरी है। और बाई चांस हमारे दोनों लीडर साथ में है, बहुत शानदार रोल निभाया है डॉक्टर मनोज बुढ़ानिया जी ने, बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही मेच्योर, समझदार लीडर में मैं उनको गिनता हूँ, एक एसेट की तरह हैं वो। और आई फील कि उनकी ज़िंदगी में भी ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि आज वो टियांस आईडी नेट के साथ इतने शानदार लीडरशिप के साथ इस पैनल में मौजूद रहती हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाती हैं, अपनी टीम को भी आगे इंस्पायर करती हैं। ओवर टू यू डॉक्टर मनोज बुढ़ानिया जी, वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आल टियांसियन। बिल्कुल सर, बहुत डेडिकेशन से लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। सबसे पहले तो आज के सेशन की बात करूंगी, सेशन भले ही पीछे का था लेकिन बहुत सारी नई चीजें थी, ऐसे लग रहा था जैसे खुद के लिए ही बोली जा रही है। एक बात बहुत अच्छी लगी कि अपलाइन भी यही रहने वाले हैं, डाउनलाइन भी यही रहने वाले हैं, हमें इस बिजनेस में अपना फ्यूचर देख लिया है तो हमें एडजस्ट करना होगा। हम विशेषकर महिलाएं बहुत हैं पैनल पे, महिलाओं को हमें पता है सास भी यही रहनी है, बहू भी यही रहनी है, वहां हम एडजस्ट कर लेते, कोई सामान तो है नहीं, चेंज हो जाएगा। तो अपलाइन भी यही रहने वाले हैं, डाउनलाइन भी यही रहने वाले हैं, तो अब हमें क्या चेंज करना है, अपनी नीतियों को चेंज करना है, इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि हमारा बिजनेस आगे बढ़े, खराब नहीं करना है घर का माहौल, माँ बना लो। बिल्कुल, अगर सास है तो देखो जिसकी सास सास जैसी है तो माँ बना लो, अगर माँ जैसी है तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। बिल्कुल सर, और ऑसम सर, रिलेशन से बढ़ाने, ये बिजनेस सर संप्रेषण का बिजनेस है, बातचीत का बिजनेस है, आप फेस टू फेस मिलके अच्छे से करो, फोनिकली करो, व्हाट्सएप पे करो, जूम आईडी पे करो, सिर्फ बातचीत का बिजनेस है। जिसने ढंग से बातचीत करना सीख लिया ना, वो बड़े आराम से इस बिजनेस को कर सकता, बहुत आसान काम है सर। ये मैं उतना बड़ा उदाहरण हूँ कि मैंने कहूँ तो मैं ढंग से प्लान नहीं दे सकती, लेकिन मैं बातचीत से मेरा बिजनेस यहाँ ले आई, सिर्फ बातचीत के तरीके से। बिल्कुल, मुहाने पे खड़ी हैं, मैं तो चाहता हूँ कि जयपुर के प्रोग्राम में आपके पगड़ी पगड़ी पहना के हम कुछ करें धमाका। थैंक यू सर, थैंक यू, बिल्कुल, मैं पूरी जी जान लगा रखी है कि मैं हेड स्टार बन के स्टेज पे आऊँ, बहुत दूर नहीं है लेकिन मैं भी नजदीक ही हूँ, और ये एक अच्छा मेरे लिए उदाहरण, मैं एक ऐसा उदाहरण बनके खड़ी हूँ जो महिलाएं ऐसे सोचती हैं कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाती किसी भी कारणवश, हालांकि ये भी एक माइंड प्रोग्रामिंग ही है। मैं पिछले 20 वीक महिलाओं का स्पेशली सेशन चल रहे थे, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग सबने अपने अपने उदाहरण दिए, तो एक मैडम कह रहे थे कि मेरी टीम में एक महिला थी, उसने ये कहा कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो बोले मैं समझ गई उस लेडी की माइंडली प्रोग्रामिंग सही नहीं है, हो सकता है उसकी घर की स्थिति ऐसी हो, लेकिन उसने शब्द ये बड़ा अच्छा बोला मैडम ने कि माइंडली प्रोग्रामिंग शायद हमारी अच्छी नहीं है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि घर की स्थिति माहौल नहीं है। फिर भी ऐसा कुछ रहा तो भी हम घर से बिजनेस करें, कर सकते हैं इस बिजनेस को, बस हमें इतना प्रभावी बोलना है, ये बोलना हम सीख सकते हैं, और हमारे पास आईडी नेट सिस्टम है,
आरएनए सिस्टम में वो जीरो से लेके एक इंसान एसडी तक जा सकता है, कंप्लीट वो सेशंस है। सर आपको तो पता है इस चीज का कि मैं पीछे के सेशन देखती रहती हूँ, और जब मैं दोबारा मैसेज डालती हूँ तो शायद आपको इस चीज का पता चलता होगा कि मैसेजेस डालती हूँ तब हमेशा रिपीट सेशन पीछे के देखती हूँ, और मैंने जितना मेरा काम किया है वो गाइडेंस से किया है। कमेंट भी डालती हैं कईयों जगह पर, जो आप वीडियो देख रही हैं इसका मतलब पता चलता है कि आपने इसमें कमेंट डाला है, मनोज जी ने इसको वीडियो को देखा है। तो दोस्तों ये निशानी है अपनी इमेज डालने की, मेरे दिमाग में आपकी पिक्चर क्या बन रही है ये आपके एफर्ट्स बता रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि आप बहुत सारी चीजें और भी करती हैं, और मेरे ख्याल से आप 7 स्टार बन गई थी, और आप कितनी बार घर से बाहर गई एक बार ये बताना। अब तो 8 स्टार बनने वाली हैं, इस दौरान में बाहर भी जाने का मौका मिला होगा, बट फिर भी हम जानना चाहते हैं कि अभी तक की जर्नी में आपने कितना बैलेंस रखा, किस तरीके से ये किया। सर मैंने 7 स्टार से पहले सिर्फ एक बार झुंझुनू जाके डेमो किए थे, सिर्फ एक बार, बाकी मैं 7 स्टार बनने के बाद में ही गई थी रेवाड़ी में, और जाके वहां भी रिकॉग्नाइज पार्टी ही थी, वो कोई बिजनेस नहीं था, डेमो नहीं था, सिर्फ 7 स्टार तक मैं एक बार ही बाहर निकली थी। इसका मैसेज, इसका मतलब ये नहीं है लीडर्स आपको, इसका मतलब ये नहीं है सरिता जी की तो 7 मीटिंग नहीं 8 मीटिंग नहीं करनी है, वो तो करनी है, लेकिन किसी वजह से अगर आप नहीं जा पाते हैं तो घर बैठ के बहाने नहीं मारने, घर बैठ के फिर मनोज या तो देखिए मनोज बुढ़ानिया बनना है, डॉक्टर मनोज बुढ़ानिया, या सरिता मेरा बनना है, दो में से एक तो बनना पड़ेगा, चमत्कार तभी होने वाला है। और डॉक्टर मनोज बुढ़ानिया जी बनना है आपको, तो यहाँ आते रहिए जब जब भी इनको मौका मिलता है। देखिए हम जो है ना, जितने भी हमारे गुदड़ी के लाल है, इनके जो मैजिक मंत्र आज है बीच बीच में आके ही देते हैं। अब आज जैसे आई है मनोज जी, आज कुछ बोल के चली जाएंगी, अब जिसने इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं किया होगा उनका तो मिस हो गया है ना, तो इसीलिए कोई मोमेंट, कोई भी पल, किसी का भी कोई भी शेयरिंग हो सकती है यहाँ पर, वो आपके बड़े काम की हो सकती है, कि बिना फिजिकली मीटिंग किए भी इन्होंने कैसे और मैनेज किया चीजों को, उसका कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिया और कुछ कह रही हैं आप, प्लीज ओवर टू यू। जी सर बिल्कुल, हम घर से कर सकते हैं, थोड़ा सा हमारा बोलने का तरीका प्रभावी होना चाहिए, और ऑनलाइन हम सीख सकते हैं और ऑनलाइन मीटिंग ले सकते हैं। सर कई बार लगातार जो ऑनलाइन मीटिंग लेते हैं तो हमें भी इंसान ही है सर, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे मैं करती हूँ, तो कुछ गलतियां भी की है मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियां नहीं की। और फिर जब पैनल पे होते हैं सर, आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है पाल सर आज इतना बड़ा एक बहुत बड़ी लीड कर रहे हैं टीम को, बहुत सारी समस्याएं भी आती होंगी, कुछ नहीं करने वाले भी ज्ञान बांट देते हैं ये होगा ये नहीं होगा, कुछ करने वाले भी बांट देते हैं, लेकिन एक लीड करना, खड़े रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी सिचुएशंस आई हैं, कुछ गलतियों से खराब भी किया है माहौल को, फिर सीख के खड़ा भी किया है वापस, ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं। लेकिन ये फील्ड जैसा माहौल हम घर बैठ के आराम से उन चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कहाँ गलती कर सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं, इसका एक सबसे बड़ा जो कारण है वो सर हमारे संप्रेषण पे ही, यानी बोलने पर ही, हम क्या बोल रहे हैं और किस तरीके से सुधारते हैं, क्या नॉर्मली जिन चीजों को सुधारते हैं वैसे सुधारना है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के हमें सीखते रहना है। सर मैं शिखर पर मिलेंगे जिगलर की बुक पढ़ रही थी, बहुत औसम बुक है, और उसमें मतलब अवसम बुक तो हर इंसान हर बुक की होती है, लेकिन मेरा जो बिजनेस है मैं मानती हूँ पहला फर्स्ट जयप्रकाश जी सर और मैम की गाइडेंस से यहाँ तक आ पाई हूँ, और सेकंडली बुक्स ने मुझे बहुत सहयोग दिया है। हमें किसी भी सिचुएशंस को नॉर्मली हमारे दिमाग में जो आता है उस तरीके से नहीं संभालना, थोड़ी सी कहीं डिस्टेंस आ जाए हमारे रिलेशन में तो उस तरीके से नहीं संभालना, हमें किताब के वैसे संभालना, बुक वो सिखा देती है, हमें गाइड भी कर देती है, हमारी गलतियों का एहसास भी करवा देती है, फिर भी वो अच्छी लगती है। हालांकि सीनियर और हमारे जूनियर ही बात कर देंगे तो हम बुरा मान जाएंगे उसका, लेकिन बुक एक ऐसा वे है जो हमें गलतियां भी एहसास करवा देगी और फिर भी अच्छी लगेगी, और इसके माध्यम से हम अपने आप को सुधार सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ही सही, जिनको अक्सर ज्ञान हो वो भी थोड़ा सा शुरू करें, मेरा तो ये मेरी एक छोटा सा ये मैसेज है अपनी टीम को और सभी साथियों को, हम इससे औसम घर से बैठ के इस काम को कर सकते हैं सिर्फ वाक चातुर्य से। और इसके साथ हमारे पास एक YouTube पे बहुत शानदार चैनल है जिसके माध्यम से हम सीख सकते हैं। थैंक यू सर आपका इतना सुंदर आइडेंटिटी सिस्टम हमें दिया, और इसके माध्यम से ही मैं आई थी इस बिजनेस में, आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस समय 4 बजे के आसपास मीटिंग हुआ करती थी, मेरे कुछ समझ में नहीं आया, पैनल में कोई नया सदस्य है और कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी मैं PhD उस दौरान तो कर रही थी, डिग्री नहीं मिली थी मुझे, मैं PhD उच्च डिग्री के साथ बैठी थी, मुझे एक शब्द भी समझ में नहीं आया था, बस मुझे इतना ही समझ में आया था कि एक कोरोना काल में इतनी मतलब ऊर्जा के साथ एक ऐसा पैनल है जहाँ पे सब अपनी शेयरिंग कर रहे हैं, हमें ये मिला और मुझे इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आया। सेकेंड डे मैंने सेशन लिया,
थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ कुछ लोग ठीक हुए हैं, यानी स्वास्थ्य के बारे में ही दिमाग में आया। इसके अलावा मेरे MLM के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था इससे संबंधित। फिर मैंने गोल्ड से सीधा ज्वाइन किया। इसके लिए थैंक यू मैं अपने हस्बैंड को करूंगी, क्योंकि मैं सैनिटरी नैपकिन से ठीक हुई, मैं ब्रॉन्ज से ही ज्वाइन करना चाह रही थी और मैडम ने मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि मनोज जी आप गोल्ड से करो। मेरे हस्बैंड ने मेरा हमेशा अच्छा साथ दिया कि जब करना ही है तो 100% देख के करो, गोल्ड से ही ज्वाइन करो, ब्रॉन्ज से किस लिए, रोज रोज 10-10 हज़ार का सामान चार बार मंगवाओगे, एक बार मंगवा लो फिर आराम से बैठ के निकालना, चार बार किस लिए इसको टुकड़ों में। तो मैं इसके लिए अपने हस्बैंड को थैंक यू, हमेशा ही 100% इसी तरीके से बिजनेस में साथ दिया है मेरा। बहुत बहुत थैंक यू कंप्लीट आईडीनेट सिस्टम के टीम कोर लीडर्स को जिन्होंने आईडीनेट सिस्टम बनाया। आज एक बहुत बड़ी भीड़ पीछे खड़ी है, बनने के बाद में भीड़ पीछे खड़ी होती है वो अलग होता है, और जब बनते हुए इस चीज को मजबूत करते हैं उनके लिए वाकई में दिल से सैल्यूट है सर, इस सिस्टम को बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए और शुरुआत के संघर्ष से इस इतने बड़े महार्थिक बड़ा हाथी बनाने के लिए इस आईडीनेट सिस्टम को। थैंक यू सभी लीडर्स का, स्पेशली बहादुरगढ़ टीम, गुजरात टीम, स्पेशली वासुदेव सर के उदाहरण दे दे के मैंने बहुत अपने बिल्ड किया है बिजनेस को। 2014 में मैंने PhD शुरू की थी और वासुदेव सर की शेयरिंग से सुनती हूँ मैं। 2014 से सर ने टीम्स ज्वाइन की थी सर, आज 50 लाख की MG ग्लोस्टर में चलते हैं और मैं 50 हज़ार की स्कूटी चलाती हूँ, इतना अंतर है। हालांकि PhD काम आएगी ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई काम नहीं आती, लेकिन बिजनेस ये चीज है, नौकरी सिर्फ पेट भरती है और बिजनेस हमें अमीर बनाती है। तो बिजनेस जरूरी है करना, जो कर रहे हैं नौकरी वो करें, साथ साथ बिजनेस भी जरूर करें। थैंक यू आपका सर एक हिम्मत बनाए रखने की और इतना शानदार सिस्टम के लिए खड़े रहने की, क्योंकि मैंने कुछ समय एक लंबे समय तक एक छोटी सी मीटिंग्स को रखा तो मुझे पता है कि किस तरीके से खड़ा रह जाता है। मन करता है उस दिन हम वीडियो में आ जाते हैं, मन करता है उस दिन पीछे रह जाते हैं। मुझे पता है जब लीडर्स नहीं होते हैं तो कितनी घुटन सी फील होती है, हमें इस चीज को तब महसूस करते हैं जब समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो बिल्कुल सर दिल से थैंक यू आपके लिए, हम जब खड़े होते हैं तब हमें पता चलती है कि रियल समस्याएं क्या होती हैं। तो मैं महसूस करती हूँ इस पैनल को लगातार चलाए रखने के लिए कितनी हिम्मत की, और हम जैसे लीडर्स को बार बार अप डाउन आने में कभी भी वो महसूस नहीं होने दिया। थैंक यू पूरी टीम को जिसकी वजह से मैं आज हूँ, थैंक यू मेरी फैमिली को, और थैंक यू ऑल कंप्लीट उन LOS को मेरे को जिनके माध्यम से मैं किसी का शेयरिंग सुन के, किसी के प्लान को सुन के रोज अपने आप की उन नेगेटिविटी को खत्म करते हैं और पॉजिटिविटी को धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। हमें टॉप ऑफ द गोल्ड लाइन जाना है 100%, इसलिए सभी लीडर्स का इसमें सहयोग है। एक एक शेयरिंग सुन के खड़ी हूँ, उनका भी बहुत बहुत सहयोग है। थैंक यू सभी TN's लीडर्स का। बेटर TN's, बेटर लाइफ, आई लव TN's, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। Go Gold Line, everyone soon. Go Goa, go Dubai, go Indonesia and go Turkey. Thank you, sir. Thank you. Super. Zabardast ultimate. Dr. Manoj ji, आपका जज्बा, ये जज्बे का ही कमाल है कि आप सभी एक स्प्रिट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत शानदार एक एग्जाम्पल हैं। आपके पास तो ये भी कहना है कि देखिए या तो PhD कर लो उसके बाद आ जाना TN's में, है ना, आना तो TN's में ही पड़ेगा। और जब आना ही TN's में है तो यार बिना PhD करके आ जाओ, क्योंकि PhD वाले हम तो ही हैं यहाँ पर, हमसे काम चला लेना। तो सेम चीज है कि आप अपनी बातों को जैसे मर्जी रख लो, जब आपको कम्युनिकेशन आती है ना, आप अपनी हार में भी जीत देखते हो और जीत तो जीत ही होती है। तो हार तो आदमी मन से ही है, हारना नहीं है, बस यही चीज सिखाया जा रहा है कि हारना नहीं है। बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त, आपके लिए बेस्ट विशेष, आप 8 स्टार बने और गोल्ड लाइन बने जल्दी से। और जैसे कि समय की नजाकत होती है, लेकिन आज हम हमारे एक और लीडर को लेंगे और मे बी आज की हमारी लास्ट स्पीच होगी। लेकिन कहते ना कि एक चीज है जो सुनीता जी भी कह रही थी ना कि सबका मौका मिलना चाहिए। आप सब लोग निश्चिंत रहिए, आप अपने दिल की बातें कीजिए, ये प्रोग्राम हर रोज होता है, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। इसलिए जिसको मिल गया ना वो अपने दिल की बातें शेयर करें, सो दैट पता चला थोड़े थोड़े सबको खुश करने के चक्कर में कोई खुश नहीं हुआ, है ना। सबने बांटा तो लेकिन मिला किसी को कुछ नहीं। मेरी ऐसी फिलॉसफी है, आपने देखा होगा अक्सर प्रोग्राम में ये होता है जब बड़े BBS होते हैं,
कि सर आपको ना 15 मिनट ही बोलना है, और मैं भी बड़े मन से चलता हूँ कि आज ना मेरे को 15 मिनट बोलना, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट खींच दूंगा मैं। जब मैं उतरता हूँ तो 40 मिनट हो जाते हैं, और कुछ जगह तो मैं एक घंटे तक भी मेरी गाड़ी रुकती नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ जो हमारी ऑडियंस बैठी होती है ना, उनकी आंखों में चमक, वो बॉडी लैंग्वेज, एक्साइटमेंट, वो मेरी गाड़ी रुकने नहीं देते हैं। अब तो वो वाली बात है कि कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा हमारे लीडर को कि सर आप भी अगली बार, आज के लिए इतना ही। तो ऐसा ही है कि कोई टेंशन नहीं है, जितने भी लीडर्स हैं आप आइए, और जिसका नंबर लग जाए बहुत बढ़िया, नहीं लगे तो आपको बिल्कुल भी, मैंने कहा यहाँ सीखने के लिए आ रहे हैं हम लोग, ज्ञान बांटने के लिए नहीं आ रहे हैं। यहाँ अगर आ रहे हैं आप तो सिर्फ एक चीज के लिए आ रहे हैं, अपनी फीलिंग और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बांटने के लिए तो मैं ही बहुत हूं, मैं जो बांट रहा हूं ना मैं बताऊं वो बहुत है, बल्कि ज्यादा है, ओवरडोज चल रहा है मेरी तरफ से भी, लेकिन मेरे को भी पता है कि नया नया मटेरियल नहीं दिया ना तो आप बोर हो जाओगे, है ना, कि नया चाहिए सर, नया कुछ नया, तो इस चक्कर में नया नया देता रहता हूं। लेकिन वो हमेशा याद रखना, वो इस्कॉन टेम्पल वाला जो मिशन है ना, वो हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं, और 10-10 घंटे डांस भी करते हैं, नाचते भी हैं, और आप देख लेना, जाके पता कर लेना, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, है ना। बस ये जो भजन है ना, बस ये दो लाइनों का भजन है, और दो लाइनों में ही लगभग 100 से ज़्यादा देशों में 1000 से ज़्यादा मंदिर बन चुके हैं, और जो उसका स्टैंडर्ड है वो लगभग आपने देखा ही होगा, 3-star, 4-star, 5-star होटल की तरह है। And I'm always the fan. मैं ऐसी चीजों को हमेशा फैन रहा हूँ, कोई भी हो दुनिया में जो जो हम सबको कुछ ना कुछ सीखने को देती है, है ना। कोई ना कोई किसी न किसी धर्म को मानता है, सब धर्म एक ही चीज सिखाते हैं, इसको बोलते हैं अच्छी चीज है। कोई भी धर्म हमें बुरी चीज नहीं सिखा सकते हैं, और वो धर्म भी नहीं है अगर कोई चीज बुरी सिखा रहा है। तो हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल कभी कभी देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरों का भी होगा, लेकिन मेरे पास एक सॉलिड एग्जाम्पल है। एक ऐसे शख्स ने उसकी स्थापना की थी जब उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी, उन्होंने खूब समझाया लोगों को, हिंदुस्तान में नहीं समझ आए, जहाज में लटक के अमेरिका पहुंच गए। जब वहां समझाने लगे तो सब ने बोला हम तो बिजी हैं, हमारी तो उम्र भी नहीं है इन सब कामों के लिए। तो लास्ट में हम जाते ना, भाई साहब ये करेगा, ये पैसे वाला है, ये दिमाग वाला है, डिग्री वाला है, ये कलाकार है, सब लात मारते हैं। ऐसे उनके साथ भी हुआ। फिर एक दिन जो श्री प्रभुपाद हैं वहाँ के मुखिया, जिन्होंने उसकी स्थापना की, तो कहते हैं जब उनको लगा कि मामला जम नहीं रहा है, तो फिर उन्होंने, वहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो हिप्पी टाइप के, मस्त मौला, खाते पीते गुनगुनाने वाले लोग, राइट, कुछ हिप्पी टाइप के लोगों को उन्होंने पकड़ा, उनको समझा, मोटिवेट किया, यार एक काम क्या करो, कुछ देर के लिए आ जाया करो, और एक काम करेंगे, आपको कुछ खाने पीने का लंच प्रसादा प्रसाद देंगे, राइट। उस प्रसाद के बहाने उनको बुला लिया, तो प्रसादा खिलाया और थोड़ा थोड़ा उनको समझाया, वो मामला जमता चला गया। अब देखिए, जिनको समझना चाहिए था वो तो समझे नहीं, जिनके बाद जो बदनाम थे ना, ये नहीं समझ सकते हैं, ये तो बर्बाद हुए पड़े हैं भाई साहब, और ये जो महात्मा, ये भी मरेगा इनके चक्कर में, इन नशेड़ियों के चक्कर में, है ना। मतलब उनके बारे में ऐसी फीलिंग थी लोगों को। लेकिन देखिए, रास्ता कहाँ से बनना होता है ना, किसी को नहीं पता, तो उनका रास्ता भी ऐसे शुरू हुआ। वो हिप्पी टाइप के लोग हरे रामा हरे कृष्णा करने लग गए, गीता को बांटना शुरू कर दिया, गीता के बारे में आगे चर्चाएं होनी शुरू हो गई, और वहां से जो चला वो सिलसिला, आज पूरी दुनिया में बहुत बड़ा एम्पायर है, हम सबके लिए तो बड़ा जबरदस्त इंस्पिरेशन का एक चीज है कि आप जिनको समझा रहे हो, पता चला एक दीनहीन आदमी, गरीब टाइप का, आपको लगता है इसके बस की तो है ही नहीं त्यांशी, है ना, आपने उल्टा हल्के में ले लिया बताते हुए, उसने आपको सीरियस में ले लिया, और वो लग गया, लगते लगते ऐसा कांड कर दिया, वो डायरेक्टर बन गया, और नाम था पाल भी बसना है, है ना भाई। हमारे माथे को देखे, हमारी शक्ल को देख के लोग यही सोचते होंगे पहले, मतलब भाई साहब इसके बस की थोड़ी, ये जानता नहीं पहचानता नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, है ना, क्या करेगा ये, इसलिए हल्के में ना लें, कोई भी पाल भी बसना मिल सकता है जिंदगी में आपकी, और ऐसे 2-4 मिल गए ना अलग अलग लाइनों में, मैं बता रहा हूँ पुश्तों का मामला फिट है। तो टाइम जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा जाते जाते क्या किसी को तकलीफ दूँ,
कुछ हम ही उठा लेते हैं। तो शाम को ठीक 155 लोग इंतजार कर रहे हैं, रुखसत का टाइम हो रहा है। कल शाम को जब आएंगे तो सुनीता जी की तरह मौका मिलेगा और सरिता जी की तरह मौका मिलेगा, डॉक्टर मनोज भानिया जी की तरह मौका मिलेगा। लेकिन इसको बोलने से पहले, बताने से पहले, जो आपने आज सीखा, कल 4 पॉइंट सिखाए थे ना, क्या क्या लिखना है कॉपी में, क्या सोचना है अभी बैठकर, आपने क्या फील किया पूरे दिन में आज, टियांस, जिंदगी, कैरियर, फ्यूचर, ड्रीम्स, गोल, टारगेट, सपने, गोवा, दुबई, इंडोनेशिया, टर्की, फील लेना है क्या चल रहा है मामला। व्हाट टुडे यू फील, नेक्स्ट व्हाट टुडे यू लर्न, व्हाट टुडे यू प्राउड ऑफ। आज सरिता मेहरा जी प्राउड फील कर रही हैं, मैंने आज 8 मीटिंग की हैं, दैट इज द नेम ऑफ प्राउड ऑफ। ऐसे कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसा करिए, प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जिससे आपके घर में पैसे आए, जिसके किसी और के घर में पैसे आए, या तो आपने टीम के लिए मीटिंग की या आपने अपने लिए मीटिंग की, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव एक्टिविटी। एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है, एक लर्निंग एक्टिविटी। जो 9:30 से लेकर जो 10:30-11 बजे तक चलता प्रोग्राम, ये पता क्या है, ये लर्निंग, इसको सुन के पैसे नहीं आने वाले घर में, लेकिन जो सुन के सीख के जगह कल काम करना शुरू कर दिया तो मल्टीप्लाई हो सकती है इनकम, राइट। व्हाट यू प्राउड, व्हाट यू फील, है ना, व्हाट यू फील प्राउड, क्या आज ने आपने महसूस किया। एंड नेक्स्ट इज व्हाट यू वांट टू इंप्रूव, क्या लगता है आपको क्या इंप्रूव करना है। 4 पॉइंट सिखाए थे कल मैंने, व्हाट यू फील, हाउ यू फील टुडे, है ना, आज आपकी फीलिंग कैसी है, आज जो दिन में एक्टिविटी की अपने फ्यूचर को लेकर। नंबर 2 पॉइंट क्या बोला था, व्हाट यू लर्न टुडे, कुछ गलतियां हो गई होंगी, मिस्टेक हो गई होंगी, या कुछ आज सीखा होगा पैनल के माध्यम से। नंबर 3 क्या था, किस चीज का प्राउड फील करते हैं। नंबर 4 क्या था, आप खुद सोचना है आपने, खुद विचार करना है आपने एक एक चीज को, मतलब आपने लिख लिया, आपने सुन लिया और कल को आपने किसी को बताया नहीं। ये जो आपने लिखी चीजें ना, ये आपको बतानी है। अगर आपने अपनी टीम को नहीं बताई, ये नॉलेज जीरो है, इसका मतलब नहीं है कोई भी। जो भी यहां बात बताई जाती है, अगर आपने लिख लिया, नोट कर लिया, खुद एब्जॉर्व कर लिया, इसका आपके लिए फायदा 1% 10% है मैक्सिमम, लेकिन 100% फायदा उठेगा जब आप अपनी टीम को सिखाएंगे आप। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की चीजें जो हर रोज हो रही है यहां पर, इसका फायदा उठाएं। अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा देर आपको रोकेंगे नहीं। बहुत सारे सीनियर लीडर को मैं देख रहा हूं यहां पर पैनल में, अभी नाम जरूर लूंगा मैं, ताकि एक आपके रिकॉग्निशन के लिए स्पेशली, जैसे मैं देख रहा हूं बानी सिंह जी, विकास पिलानिया जी, एंड मुकेश शर्मा जी, एंड मीनाक्षी रावत जी अपकमिंग, मीनू मुकेश चौहान जी, प्रेम लोचाब जी, एंड हमारे वासुदेव सर एंड साक्षी जी, इस तरह से हमारे साथ में हैं कल्पना जी, एंड हिमानी जी भी नजर आ रही थी, सर सुमित्रा जी हैं, करम सिंह जी और योगराज जी सुपर, इसके अलावा उमा यादव जी जिन्होंने अपने नाम के आगे लगा हुआ है स्टूडेंट। मैंने बताया था ना, मैंने अपने नाम के नीचे लिखा हुआ था ऑप्टिमिस्ट, टाइटल ही ऑप्टिमिस्ट कर दिया था, इन्होंने लिखा है स्टूडेंट। वंदना परदेसी जी, सुशीला मित्तल जी एंड कैलाश मित्तल जी, हिमानी जी, रेखा यादव जी, हमारी नई नई एक स्टार, और ऐसे ही मैं देख रहा हूँ राहुल तंवर जी, वनीता राज जी, अमित सिंगापुरी जी आज नजर आ रहे हैं मुझे, मोनिका जी, ब्रॉन्ज लायन, एंड डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल जी, सदाबहार लीडर हमारे, जबरदस्त। तो नाम लेते हुए भी देखो 2-4 मिनट तो निकल जाते हैं, बट उसका एक अलग ही मजा है, अच्छा लगता है ना। हाँ, तो अपना टारगेट यही है कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस फॉर ऑल, नॉट पॉल, हैप्पीनेस फॉर ऑल, राइट।
तो मैं आपके लिए अनम्यूट कर रहा हूँ, लीजिए अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मैजिकल मंत्र आज के साथ विदाई लेते हैं। कल शाम की Thank you all dance leader. Amazing.